तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं हाजिर हूं आपके छह ऐसे दुश्मन लेकर जो आपको समय से पढ़ने नहीं देते हैं, पढ़ते समय सुला देते हैं, सुबह सही समय पर उठने नहीं देते, आपका पढ़ाई में मन लगने नहीं देते। ये छह ऐसे दुश्मन हैं आपके सामने की जो आपकी पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद करके रख देते हैं। और अगर इन छह दुश्मनों को आपने हराया नहीं अपनी लाइफ स्टूडेंट लाइफ में, तो आप समझ लीजिए आपकी स्टूडेंट लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है जो जीवन की सबसे अच्छी लाइफ होती है, क्योंकि इस समय आप पूरी तरह से स्वच्छंद रहते हैं, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहती है। और आज की डेट में जो कुछ आप सीखते हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, लाइफ टाइम आपका सपोर्ट करता है। जो कुछ आज आप सीखते हैं वो आगे डिसाइड करता है कि आपके आने वाले 30-40 सालों में आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज यदि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ को खराब कर लिया तो आने वाले 30-40 साल आपकी पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाले हैं। स्टूडेंट लाइफ हमेशा सीखने वाली होती है, और सीखते चलिए, और सीखते रहने से ही आपकी जो लाइफ है अच्छी बन सकती है। और ये जो छह दुश्मन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये जो आपकी स्टूडेंट लाइफ आपकी पढ़ाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ऐसे दुश्मन जिनको हराना अति आवश्यक है। तो पहले दुश्मनों को जान लीजिए, क्योंकि दुश्मनों को जानेंगे नहीं, उनकी ताकत नहीं जानेंगे तो उनको हराएंगे कैसे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज आपको यूनिक और डिटेल में बताई जाती है। और आज का ये मोटिवेशनल वीडियो यदि आपने लास्ट तक पूरा देख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई में बिल्कुल चार चांद लग जाने वाले हैं। आप अपने दुश्मनों को हराइए, जो पढ़ाई आपको पढ़ने नहीं देते उन सबको हराइए, और उसके बाद फिर आगे बढ़िए और देखिए कैसे आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं होती है। तो पहला दुश्मन आपके सामने आता है जो है काम को कल पे टालने की आदत। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको मैंने दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा हुआ है कि काम को कल पे टाल देना। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि आज का काम कल पे टाल दिया, या अभी का काम जो अभी जरूरी है काम करना उस काम को कुछ देर बाद के लिए टाल दिया। नहीं, जो काम सुबह करना चाहिए उसे कहा चलो दोपहर में कर लेंगे, और दोपहर में करना चाहिए उसे कहेंगे चलो शाम को कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो इतना ज्यादा समय टाल देते हैं, इतने ज्यादा दिनों तक उस काम को टाल देते हैं कि अंत में उनके पास उस काम को करने का समय ही नहीं बचता है। कबीरदास जी कहकर गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। कबीरदास बहुत पहले इस बात को लिख कर गए थे, लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ही जानते हैं कि ये लाइन सुन रखी उन्होंने, और वो समझते भी होंगे इस लाइन का मतलब, लेकिन फिर भी वो काम को कल पे टाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग ये कहता है हाँ ये काम करना जरूरी है, ये मुझे आज कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप काम को कल पे टाल देते हैं, या काम को कुछ दिन बाद टाल देते हैं कि चलो आज नहीं इस समय कर लूंगा, या नहीं दो दिन बाद कर लूंगा। ऐसे ऐसे करके आप काम को इतना ज्यादा टाल देंगे फिर आपके साथ पास समय ही नहीं बचेगा। कल्पना कर लीजिए कि आपने किसी को अपना सामान दिया कुछ काम करने के लिए, और उसने कहा चलो मुझे अभी दे दो सामान, मैं एक घंटे बाद आपको वापस कर दूंगा। एक घंटे बाद वो मिला ही नहीं, मिलने के बाद मिला भी तो कहा चलो कल दे देंगे आपका सामान, मैं जैसे आपका कॉपी कल दे दूंगा मैं, कल छोड़ दिया उसने दो दिन बाद। टालते टालते उसने काम को मतलब कॉपी को टालता रहा कि चलो आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, इस तरह के महीनों बीत जाएंगे तो आपको गुस्सा नहीं लगेगी। ठीक इसी प्रकार से वो काम जो होता है वो काम को जब जरूरी हो तब कीजिए। और इसके लिए आपकी सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने काम करने का शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि इस काम को मुझे इतने बजे करना है, और अपने टाइम टेबल अपने शेड्यूल पर आप एकदम स्ट्रिक्ट होकर रहिए कि इतने बजे सुबह मुझे उठना है तो उठना है। रात में भले आप किसी भी कारणवश देर में सोए हों उससे कोई मतलब नहीं, आप सुबह अगर 4 बजे उठने का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा तो सुबह 4 बजे उठिए, भले रात में आप 3 बजे सोए हों किसी भी कारणवश, फंक्शन के कारण या फिर और किसी चीज के कारण 3 बजे रात में सोए, लेकिन 4 बजे उठना है तो उठिए। अपने टाइम टेबल पर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आप सफलता पा सकते हैं। तो पहला दुश्मन आपके सामने है कि काम को कल पे टालने की आदत, और इसको हराया सिर्फ एक चीज से जा सकता है कि आप अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए और टाइम टेबल का सख्ती से पालन कीजिए। क्लियर। दूसरा दुश्मन आपके सामने जो आता है आत्मविश्वास की कमी, जो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं बहुत ही जोशो खरोश के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, और अपनी जो टाइम टेबल को भी सेट कर लेंगे, पहले दुश्मन को हराने की पूरी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर विश्वास ही नहीं हो पाएगा, अपने अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं जगा पाएंगे। क्या मैं अपना पहले दुश्मन को अपने हरा पाऊंगा,
जिसे आप लड़ाई में गया और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, भले वो बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, सभी उससे डरते हैं, लेकिन खुद उसे अपने आप पर विश्वास नहीं है कि क्या मैं लड़ाई को जीत पाऊंगा, तो होगा क्या, वो उस युद्ध में मारा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप निश्चित ही उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास की कमी मैंने आपको पहले बता रखा है एक वीडियो लेक्चर में कि अगर आप एग्जाम में गए, एग्जाम में करने बैठे, तो आपके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को यदि आपने पढ़ रखा है तो पहली बार माइंड में जो भी आंसर आएगा वो 90% करेक्ट होता है। लेकिन आपके अंदर यदि आत्मविश्वास की कमी है और बगल वाला आपकी गलत ही लिख रहा है तो अपने आत्मविश्वास की कमी कारण उस गलत वाले आंसर को आप लिख देंगे और अपना सही वाला आंसर आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए और इससे जगाने से ये होगा कि आप कुछ भी करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ करने से वो काम अच्छा भी होगा और बेहतरीन भी होगा। लेकिन यदि आत्मविश्वास नहीं है तो आप कितना भी भले लगे रहें लेकिन वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं होने वाली। तो दूसरा दुश्मन आपके आपका है आत्मविश्वास की कमी और इसको हराने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे, अपने अंदर आप विश्वास नहीं जगाएंगे कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि सर मुझे उस जगह पे जाना है, टीचर आपके सामने आया, पथ प्रदर्शक होता है, टीचर बताया कि बेटा इस रास्ते पे चले जाओ और ये रास्ता आराम से आपको उस रास्ते पर पहुंचा देगा, वहां जिस मंजिल को आप चाहते हैं उस मंजिल पर आपको पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके अंदर कोई विश्वास ही नहीं कि इस रास्ते पर चल के मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, तो टीचर आपको आगे ले जाके नहीं दे पाएगा, क्योंकि टीचर आपको रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पर जाइए और आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। तो विश्वास तो आपको अपने आप ही जगाना पड़ेगा और कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता जब तक कि आप अपने अंदर खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। तो खुद से मोटिवेट होइए, खुद के अंदर ये विश्वास जगाइए कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, इस एग्जाम को मैं क्रैक कर सकता हूँ। आप हाई स्कूल के एग्जाम में हो, आप इंटर के एग्जाम में हो, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो या फिर IAS सिविल की परीक्षा दे रहे हो, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है तब तक आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, दूसरी दुश्मन को हराने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा और अपने अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा। क्लियर। छह दुश्मनों की लिस्ट में जो तीसरे नंबर का दुश्मन है वो भी कम खतरनाक नहीं है और ये दुश्मन है आपका लक्ष्य और प्लानिंग की कमी, मतलब लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग। आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो आप किस उद्देश्य से मेहनत कर रहे हैं? आप लगे हुए मेहनत करने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन ना कोई टारगेट है ना कोई प्लान है, तो क्या फायदा उस मेहनत का? आप बिल्कुल उसी की तरह मेहनत कर रहे हैं जैसे किसी को टारगेट दे दिया गया कि भाई तुम्हें दीवार गिरानी है और वो पहुंचा, दीवार को धक्का देके गिराना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास प्लान ही नहीं दीवार किस तरह गिराई है। उस सुबह से शाम तक धक्का देते रहा, मेहनत बहुत कर डाली, लेकिन अंत में पता क्या लगा? परिणाम उसका शून्य निकला, जीरो निकला। ठीक उसी तरह आप मेहनत करने पर लगे हुए हैं, ना आपके पास प्लान है ना आपके पास टारगेट है। जिस इंसान के पास टारगेट होता है, प्लान नहीं होता है, वो भी मेहनत करता है, बेकार जाती है उसकी, व्यर्थ मेहनत चली जाती है, फेल हो जाता है। या जिसके पास प्लान होता है, टारगेट होता है, नहीं होता है, उसकी भी मेहनत फेल हो जाती है, वो भी व्यर्थ चली जाती है। लेकिन अगर किसी के पास टारगेट और प्लान दोनों ना हो तो वो क्या करेगा? उसकी मेहनत 100% बेकार जानी ही जानी है। तो पहले अपने टारगेट को निर्धारित कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करना शुरू कीजिए और टारगेट भी ऐसा निर्धारित कीजिए जो आप अप्रोच कर सके, जहां तक आप पहुंच सके। ये नहीं कि आप किसी की बात सुने हाई मोटिवेट हुए, ओवर मोटिवेट हो गए और ऐसा टारगेट अपने सामने रख लिया जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। बस अप्रोचेबल टारगेट आपके सामने आना चाहिए, ऐसा टारगेट जहां तक आप पहुंच सके, जिस पर आप काम करके आप उस टारगेट को अचीव कर सके, ऐसा टारगेट रखिए। और साथ ही साथ उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो प्लान कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कीजिए। बस उस टारगेट को अचीव करने का प्लान छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कि डीप वाटर नाम का लेसन है कक्षा 12 की किताब में, जो कि शायद सभी ने पढ़ रखा होगा, अक्टूबर चल रहा, सब पढ़ चुके होंगे। डीप वाटर में देखिए कि उसमें जो राइटर होता है वो एक बार डूबने से बच जाता है, लेकिन उसका जो मन रहता है वो तैरने का मन क्या करता है, तो अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर को रखता है, टीचर को रखता है तैरना सिखाने के लिए। तो टीचर क्या करता है,
छोटे छोटे तरीके से, मतलब थोड़ा कभी इसमें परफेक्ट करने लगेगा, कभी उस तरीके से तैरने में परफेक्ट किया, कभी किस तरीके से, जब जान जाता है कि हर तरीके से तैरने में परफेक्ट हो गया तो सबको जोड़कर वो कहता है जाओ भाई तुम तैराक बन गए, तुम तैरना शुरू करो। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपना टारगेट इसी प्रकार से सेट करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में सेट कीजिए और हर टुकड़े को परफेक्ट करते हुए चलिए। अंत में देखिए जब सबको जोड़ेंगे तो आप अपने टारगेट एकदम पास खड़े होंगे, एकदम नजदीक खड़े होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टारगेट तक पहुंचना पड़ेगा और टारगेट तक पहुंचने के लिए परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत है। परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी तो कोई भी टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। बिना टारगेट बिना प्लानिंग के मेहनत करना बेकार है, फेल है। तो अपने लिए एक टारगेट डिसाइड कीजिए और उस टारगेट तक पहुंचने की परफेक्ट प्लानिंग डिसाइड कीजिए। क्लियर? तो आपके छह दुश्मनों की लिस्ट में चौथा दुश्मन है आपका सामाजिक संबंध, यानी सोशल रिलेशनशिप। आपके जो संबंध है वो किस प्रकार के लोगों के साथ है, वो कैसे लोगों के साथ आपके दुश्मन दोस्त हैं, ये चीज बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि जो समाज में लोगों के साथ आपका संबंध होता है उसमें आपने देखा होगा कई प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हमको हर काम के लिए इनकरेज करते हैं कि भाई कर ले, तो कर ले जाएगा, तो कर ले जाएगा। वो रिलेशन तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं हमारे सामने कि कुछ भी करने के लिए, नया करने के लिए हम लोग चलते हैं, अरे मत कर खराब हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा, ये चीज। तो बहुत सारे लोगों के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव थिंग सोचते हैं, तो वो रिलेशन अपने पास आप संभाल के रखिए। लेकिन ऐसे रिलेशन जो आपके मन में हमेशा निगेटिव भरते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही होती है हर काम को निगेटिव तरीके से देखना, उस रिलेशन से अपने आप को पूरी तरह से अपनी दूरी बना के रखिए। क्योंकि ऐसे रिलेशन से यदि आप अपनी दूरी बना के नहीं रखेंगे तो ये जान के चलिए कि आप कभी भी ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, आप कभी भी ठीक से किसी चीज की तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप कभी ठीक से किसी भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये वो बंदे हैं जो अब खुद भी कुछ नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ निगेटिव बातें करके आपको भी कुछ नहीं करने देते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अपनी सोशल रिलेशनशिप जो होती है, सामाजिक संबंध जो होता है, उन्हीं लोगों से रखिए जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। ये चीज आप अपने मन में हमेशा बना के रखिए। आपके छह दुश्मनों की लिस्ट में पांचवा दुश्मन आपके सामने आता है डर। पता नहीं किस चीज का डर, लेकिन डर बहुत बड़ा दुश्मन आपका है। कुछ भी करने चले क्या मैं कर पाऊंगा, मन में डर बैठा रहता है। कोई किताब खोली, टीचर का सपोर्ट नहीं, घर पे बैठे पन्ना पलटा, क्या मैं इसे पढ़ पाऊंगा, ये मन में डर बना हुआ। आप बड़ी मेहनत करके पढ़ रहे हैं और पता लगा कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा फेल हो गया, मन में डर बैठ गया कि कहीं मैं भी ना फेल हो जाऊं। आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते, फेल हो जाते, उनको उनका उदाहरण देके आप कहीं डर जाते हैं कि शायद मैं इन एग्जाम को खत्म ना कर, क्रैक ना कर पाऊं। बहुत सारे डर होते हैं अपने मन में, कुछ भी नया काम करने से पहले डर। इवन मैं अपनी आप बात बता रहा हूं कि जैसे मैं पहली बार यूट्यूब पे आया था, मेरे मन में भी डर था। मैं सोच रहा था कि मैं बात करना चाहता हूं, लोगों से बात बोलना चाहता हूं, कन्वर्सेशन करना चाहता हूं, लेकिन मैं डर रहा था कि शायद मैं बोलते बोलते फंस गया कहीं, या कुछ गलत मैंने बोल दिया तो सामने वाले हंसेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, अपने आप को सिर्फ मोटिवेट किया, अपने मन से डर को निकाला और कन्वर्सेशन आपके साथ शुरू कर दी। ऐसे ही बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं और उनको अकेले गुनगुनाना, अकेले गाना, आवाज उनकी बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी उनको अगर महफिल में कह दिया जाए गाने के लिए तो वो डर जाते हैं। पता नहीं किस चीज से डर जाते, लेकिन डर जाते हैं। सोचते हैं कि कहीं मैं कुछ गाते गाते गलत गा गया तो लोग सामने वाले मेरे मजाक बनाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो मन से अपने डर को निकालिए, हर प्रकार का डर, किसी भी चीज का डर हो अपने मन से पूरी तरह से निकालिए। और जब तक अपने मन से डर नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि कहीं पर भी मन लगाने के लिए एक चीज मन में एक ही फीलिंग हो सकती है, मतलब आपके दिमाग में कुल एक फीलिंग एक बार में रह सकती है, या तो आपके दिमाग में डर बैठा रहेगा या तो कहीं पर भी आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके मन से डर का निकलना बहुत जरूरी है, यदि डर रहा तो आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे। तो अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल के फेंक दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके मन में उस चीज का डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में डर है तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं पा सकते। भय क्या है, डर क्या है, एक भ्रम है हमारा, एक मन का भ्रम है। क्या होगा अगर कुछ मैं नया करने गया, गलत हो गया तो क्या होगा? अगर कोई कोई भी बंदा किसी कार्य को करने में परफेक्ट है
अगर वो करता है तो लोग उसके कहेंगे यार कैसे कर दिया, तो तू जानता था इस काम को करने का। और यदि आप कोई काम नया नया शुरू कर रहे हैं और आपने गलत कर दिया तो लोग उस पर हंसेंगे नहीं। बहुत सारे लोग जो निगेटिव थिंकिंग, मैंने क्या बताया, सोशल रिलेशनशिप में जो निगेटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं वही केवल आपके ऊपर हंसेंगे, उन्हीं से आपके ऊपर डर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग आज पीठ ठोकेंगे, कहीं कोई बात नहीं, चल फिर से कर तू, हो जाएगा ये चीज। तो आप अपने मन से डर निकालिए और देखिए कितनी अच्छी तरह से, कितनी परफेक्ट तरीके से आप अपना कार्य कर सकते हैं। और छठवां और आखिरी दुश्मन आपका जो है वो है मीडिया डिस्ट्रक्शन। मीडिया डिस्ट्रक्शन जो कि आंख खुलती ही आपके साथ आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, आंख खुली नहीं कि खट से यू व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, फेसबुक का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और आंख खुलते ही आपकी शुरुआत होती है व्हाट्सएप के साथ, और सोते सोते यूट्यूब पर आप यूट्यूब चले जाते हैं, यूट्यूब देखते देखते सोते। तो मीडिया डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। आप क्या, आप अगर मीडिया के साथ लगे हुए हैं मोबाइल पर तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने आप को इस मीडिया से बचा के रखिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुनिया में फ्री है, यूट्यूब पे हर चीज फ्री है, फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, इस बात को आप मान के चलिए, कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अगर कोई चीज फ्री है, जैसे फेसबुक, फेसबुक पे हर चीज आपको फ्री दिख रही है, तो फेसबुक क्या ले रहा है आपसे? फेसबुक आपको ही बेच रहा है, वहां पर आपका समय बेच रहा है, आप खुद एक प्रोडक्ट है, वहां पर आप स्वयं बिक रहे हैं, इसीलिए फेसबुक फ्री है। व्हाट्सएप पे आप खुद बिक रहे हैं, आपका टाइम बिक रहा है, तो व्हाट्सएप फ्री है। कोई भी फ्री का ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा, उस पर देखिए ढेर सारे कितने एड्स आते हैं, उन एड्स को देखते हैं, आपका समय जाता है, वहां पे आप प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो अपने आप को मीडिया डिस्ट्रक्शन से पूरी तरह से बचा के रखिए। और मीडिया डिस्ट्रक्शन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मोबाइल का डाटा बंद कर दीजिए पढ़ते समय, अपने ध्यान रखिए, क्योंकि मीडिया बहुत जरूरी अंग है, उससे दूर रहकर आप चल नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर मोबाइल का डाटा बंद रखिए, जितने भी नोटिफिकेशन है हर ऐप की नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दीजिए, इसलिए कि जब भी आप उस ऐप को खोलें तभी आपको वो चीज दिखाई दे, ना कि आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है और आपको खींच के ले जा रहा है कि आओ मेरा ऐप यूज करो, ऐसा मत कीजिए। आप अपने सारे नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करके रखिए, क्लियर। तो मीडिया डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा के रखिए, तभी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। और आखिरी में चलते चलते आपको जो छह दुश्मन है उनके सबके नाम आपको मैं गिना देता हूं और साथ ही साथ उनके बारे में बता देता हूं कि जिससे कि आप भूले ना कि आपके छह दुश्मन कौन कौन से हैं, उनको हराना कैसे है, बस इस बात का ध्यान रखिए। पहला दुश्मन आपका है कि काम को बाद में करने की आदत। तो इसके लिए आपको अपने फिजिकल कंफर्ट से बाहर निकलना है, आपको माइंड, अपने माइंड को ये सेट दिखाना है कि मैं अपने फिजिकल कंफर्ट से बाहर निकलूंगा और जो काम जब जरूरी है तभी करूंगा, बाद में नहीं करूंगा, क्लियर। दूसरा है कि जो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो आत्मविश्वास कमी को सबसे पहले आप ध्यान रखिए, किसी भी काम को फिजिकली पूरा करने से पहले आप मेंटली उसे जरूर पूरा कीजिए, नहीं काम को दिमाग में ही, मन में ही सॉल्व कीजिए, मुझे ये काम कैसे करना है। तो फिर किसी भी काम को फिजिकली पूरा करने से पहले मेंटली जरूर पूरा कीजिए, क्लियर। तीसरा दुश्मन है लक्ष्य और योजना की कमी, यानी लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग। तो आप किसी भी फील्ड में, बस आप करिए ये कि अपने सामने आप अपना टारगेट सेट करके रखिए और उस टारगेट को पाने के लिए निरंतर प्लानिंग करते रहिए। एक प्लान फेल हुआ दूसरा कीजिए, दूसरा फेल हुआ तीसरा कीजिए, लेकिन प्लानिंग करते रहिए, अपने टारगेट को कभी मत छोड़िए। टारगेट को सेट करके रखेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, निश्चित ही आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। चौथा दुश्मन आपका है जो है सामाजिक संबंध, यानी सोशल रिलेशनशिप। बस इतना ध्यान रखिए कि अच्छे लोगों के पास, पॉजिटिव सोचने वालों का साथ हमें देना लेना है और जो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव काम करते हैं, उनको छोड़ देना है, उनका साथ बिल्कुल नहीं लेना है। बस उन्हीं का साथ करके देखिए जो जिंदगी में कुछ कर पाए हैं, क्योंकि उन्हीं की सोच पॉजिटिव मिलेगी आपको। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, दिन भर निठल्ले बैठे रहते हैं, उनकी सोच हमेशा निगेटिव रहेगी, उनका साथ कतई मत लीजिए। पांचवा दुश्मन आपका है डर। डर को अपने मन से निकाल दीजिए, किसी भी प्रकार का डर हो, कोई भी डर अपने मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए, और डर निकाल देंगे तभी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। और छठा दुश्मन आपका है मीडिया डिस्ट्रक्शन। मीडिया डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पढ़ते समय अपने सारे नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करके रखने हैं, डाटा टर्न ऑफ करके रखना है,
और एक निश्चित टारगेट सेट कर ले कि आपको कितना पढ़ना है, उसके बाद ही आप अपने मोबाइल को हाथ लगाइए और किसी भी मीडिया ऐप को यूज कीजिए। क्लियर? तो ये थे आपके 6 दुश्मन जिनको हराना आपके जीवन में अत्यंत जरूरी होता है। यदि आप इनको हरा नहीं पाए तो आप अपनी पढ़ाई को ठीक से कभी कर नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस मोटिवेशनल वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा और आपके 6 दुश्मन है आपके माइंड में आ गए होंगे। अब फिर आप इनको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।